तो फ्रेंड्स, मलाई कोफ्ता बनाने के लिए जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के दो आलू लिए थे, इनको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, आप मसल के भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पनीर को भी मैंने अच्छे से बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है, इक्वल होना चाहिए, देखिए इक्वल है, थोड़ा 19-20 चलेगा। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और पहले बनाते हैं हम ग्रेवी। तो यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। यहाँ पर मैं बटर यूज़ ले रहा हूँ, आप तेल का भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन एक बटर का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 टिकिया डाल रहा हूँ बटर की। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये काफ़ी कैलोरी वाली रेसिपी होती है और काफ़ी मतलब हाई होती है, रिच होती है, तो इसको आप रोज़ नहीं बनाएं, कभी कभार आप इसे बनाएं। तो अब यहाँ पर बटर मेल्ट हो गया है और बटर आप मैंने 4 से 5 टिकिया डाली, आप 2 टिकिया भी यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डालते हैं हम जीरा 1/2 टीस्पून, यहाँ डालते हैं हम तेज पत्ते 3, यहाँ डालते हैं हम मुँह तोड़कर बड़ी इलायची 1, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 डालेंगे इसके अंदर लौंग और थोड़ी सी लिटिल बिट काली मिर्च। और यहाँ पर ये ऑप्शनल है पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, यहाँ पर 1 ग्राम के आसपास जावित्री डाल देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसको। आप एक खड़े मसालों का हल्का सा तड़का लगने के साथ ही हम यहाँ डालेंगे, हम यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ये मोटी काटी है मैंने, ये डालेंगे। और करीब 3 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ की, बारीक काट लिए। और आप बारीक और मोटी अगर आप ग्रेवी बनाते हो तो दोनों का फ्लेवर अलग आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बारीक का ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब इसको हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं प्याज को। यहाँ प्याज को 3 मिनट से 4 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, वो भी हाई फ्लेम पर। ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई है और हल्का सा इसका कलर चेंज होने के साथ ही इसमें मैं डालने वाला हूँ 3 टमाटर मीडियम साइज के, और टमाटर आपको रेड ही लेने हैं, थोड़ा सा सॉटे करते हैं इसमें। यहाँ डालते हैं सबसे पहले हम सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालते हैं पहले, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। 7 से 8 काजू डालते हैं साबुत, आप थोड़े ज्यादा भी डाल सकते हैं काजू, तो मैं थोड़े से और डाल देता हूँ, थोड़ा से मिला लेते हैं। नमक डालने के बाद, टमाटरों को मिलाने के बाद में यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर ऐड करेंगे तेल के अंदर, तो खुशबू आपकी बरकरार रहेगी। और थोड़ी सी चाय तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, तो कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी क्रश करके करीब 1/2 टीस्पून मिला लेते हैं इसको एक बार, और करीब 2 मिनट टमाटरों को हम इसी तरीके से चलाएंगे। अब यहाँ पर डालते हैं हम करीब 1.5 कप पानी और थोड़ा सा चला लेते हैं, और अब इसको ढककर रख देते हैं हम मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर रखे इसे हो गए हैं 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर, 3 मिनट हम मीडियम लो फ्लेम पर रखा था, 1 मिनट लो फ्लेम पर रखा था, एक बार इसे चेक किया था। और अब इसे चलाते हैं, तो हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट और चलाएंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 मिनट चला लिया है और गैस करते हैं बंद, और इसको रूम टेम्परेचर पर होने देते हैं ठंडा, तब तक बनाते हैं हमारे मलाई कोफ्ते फ्राई करने वाले। और एक बड़ा बर्तन लेंगे, बड़े बर्तन के अंदर हम पनीर, आलू ऐड कर देंगे। पहले हम डालेंगे लिटिल बिट नमक, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें, साथ में डालेंगे रेड चिली वो भी कश्मीरी 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे अच्छा सा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून, यहाँ डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप यहाँ हरी मिर्ची कम भी ले सकते हैं लेकिन स्वाद और फ्लेवर इसी का ही आएगा। और थोड़ा सा डालते हैं बारीक कटा हुआ धनिया और एक बार इसको मैश कर लेते हैं, मिला लेते हैं यानी कि।
मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, आपको इक्वल लेना है, पनीर भी इक्वल लेना है और आलू भी इक्वल लेनी है, 19-20 चलेगा, लेकिन आपको गीला पनीर नहीं लेना है और गीले आलू नहीं लेने। आलूओं को बॉईल कर लें, 10 से 15 मिनट उन्हें ठंडा कर लें, छील के रखें, फिर 10 से 15 मिनट ठंडा कर लें, और हो सके तो उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें बिना छीले। छील कर अगर फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर इसे बांधेंगे हम, ये देखिए अगर बॉल बनाएंगे, ये देखिए ना तो चिपक रहा है और ना ये फट रहा है, लेकिन जब इसे तेल में फ्राई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ पनीर है इसमें और आलू है, तो ये फटेंगे जरूर। तो इसके लिए यहाँ डालेंगे हम करीब 3 टेबल स्पून मैदा। अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैं स्टफिंग में ऐड करूंगा, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और छोटा था काफी, तब मेरे पापा लेके आते थे, पापा के बहुत फेवरेट हैं मलाई कोफ्ते, उनकी स्टफिंग जो निकलती थी ना इतनी शानदार लगती थी मुझे खाने में, और वही आइडिया मैं अपनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैदा को अब अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। इस जगह आप कॉर्नफ्लावर भी यूज में ले सकते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लिया है, और आपको हल्का सा गीला लगे तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं मैदा। और अब इसके लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे, जो इसके अंदर स्टफिंग बनेंगे वो तैयार करते हैं। इसको रखते हैं अभी साइड में। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 8 से 9 बादाम लिए, ऐड कर देंगे, 8 से 9 ही काजू ऐड कर देंगे, और साथ में 50 ग्राम से थोड़ी कम किशमिश ऐड कर देंगे, और इसको अब हम एक बार पीस लेंगे। कि हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है, किशमिश डालने से क्या पेस्ट होगा, हल्का सा एक मिठास भी आएगी। और मैंने जो खाए थे, अब उसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट थे, पर ये ड्राई फ्रूट तो काफ़ी है, ये रखते हैं हम निकाल के यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया है ड्राई फ्रूट्स का, किशमिश और बादाम का, काजू का, इसमें से बॉल ले लेंगे छोटी छोटी इस तरीके से, ये देखिए, और इसको इस तरीके से राउंड करके बॉल टाइप बना लेंगे, छोटी और बड़ी, ये देखिए मैंने यहाँ पर बना ली है। इसी तरीके से सारी बनाकर रख लेंगे। लेते हैं कोफ्तों का शेप, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे हाथ पे सूखा इस तरीके से, और छोटे और बड़े बना सकते हैं आप, तो थोड़े छोटे मीडियम ही बनाएं, तो ये इस तरीके से राउंड करेंगे और इस तरीके से टिकिया जैसे बीच में जगह करेंगे, और इसको इसमें भरेंगे, ये भर के, और इसको इस तरीके से पैक कर देंगे, और थोड़ा सा सूखा मैदा हाथ पर छिड़क कर इसको इस तरीके से पैक करके गोल राउंड बनाएंगे, बाउल टाइप, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। ये सूखा मैदा लगाने से ये फटेंगे नहीं और हल्के से ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो ये एक बाउल बनकर तैयार है, इसी तरीके से सारे हम बना लेंगे। पर सारी बाउल हमने बना ली है मलाई कोफ्ते की, हल्का हल्का हमने इस पे मैदा और लगाया है हाथ में लेकर, इनको रखते हैं साइड में। ये हमारी ग्रेवी ठंडी हो चुकी है जो हमने, तो इसमें से खड़े मसाले निकाल देंगे हम, इसमें से तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी, आप जरूर याद करके निकाल दें, वरना आपकी रेसिपी में सिर्फ इन्हीं चीज़ों की खुशबू आएगी, और दालचीनी तो आपको ढूंढ के निकालनी ही पड़ेगी। दालचीनी भी हमें मिल गई है, इसको भी निकाल देते हैं, और अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं मिक्सी के बड़े जार में, और थोड़ा थोड़ा करके इसको बारीक पीसना है एकदम। हमने एक बार पीस लिया है और दोबारा भी हमने पीस लिया है, इसको भी खाली कर लेते हैं। आप महीन पीसेंगे तो आपको इसको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप छानना चाहें तो आप छान भी सकते हैं, पर रेस्टोरेंट वाले इसे छान कर ही यूज़ में लेते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल महीन पीसा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और खड़े मसाले हमने निकाल दिए सारे। अब करते हैं कोफ्तों को फ्राई, पर कोफ्ते बैठ गए हैं तो उठाने से पहले इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें चला लें, और तेल यहाँ पर हमने गर्म करने लिए रख दिया है, और तेल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये कन्फर्म फट जाएंगे, तो एक एक करके डालते हैं इस तरीके से, और गैस रखनी है मीडियम लो फ्लेम पर, और थोड़ी देर इन्हें छेड़ना नहीं है डालने के बाद।
यहाँ पर तेल आपका ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ी देर बाद डाल के इसको हल्का सा इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से चला दें, वरना ये जल जाएंगे एक तरफ से। तो मैंने इनको 3 से 4 मिनट कर लिया है, अब इनको निकाल लेते हैं हम। 4 थे, इनको भी हमने फ्राई कर लिया। गैस करते हैं यहाँ पर बंद और इनको भी निकाल लेते हैं। भी तैयार हैं तो इनको भी यहाँ रख देते हैं। तो अब है लास्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर डालते हैं हम करीब 1 टीस्पून ऑयल, बस इतना सही डालेंगे। तेल को होने देते हैं गरम, गरम होते ही डालेंगे इसमें करीब 1/2 टीस्पून शाही जीरा। हाफ 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ, और थोड़ा सा ऐसे सॉटे कर लेते हैं। सॉटे करने के बाद में ही डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे हम कश्मीरी रेड चिली 1 टेबल स्पून। ये कम तीखी होती है, और थोड़ा सा मिलाने के बाद में गैस लो फ्लेम पे करने के रखनी पड़ेगी आपको, और सीधा जो प्योरी थी हमारी ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, और जो कश्मीरी मैंने डाली है, तो आप इससे अगर तीखी लेते हैं तो आपको कम डालनी पड़ेगी, लेकिन बहुत तीखी हो जाएगी। और यहाँ पर हम लिटिल बिट डालते हैं पहले नमक करीब 1/2 टीस्पून, आप ले सकते हो स्वाद अनुसार। 1 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ धनिया पाउडर, मिला लेते हैं एक बार, और 1/4 टीस्पून गर्म मसाला ऐड कर देते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में अब इसको हम करीब 3 से 4 मिनट ढककर रख देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पर हो चुके हैं 4 मिनट, एक बार बीच में हमने चेक किया था, और इसको मिला लेते हैं। काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी हो गई है ये देखिए, और करीब 50 ml के आसपास में डाल देते हैं फ्रेश क्रीम, वो भी घर की, मिला लेते हैं। कितना शानदार क्रीमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर आया है, ना तो ये रेड है ना ये ज़्यादा येलो है, क्रीमी क्रीमी जैसा कलर है, और ये देखिए गाढ़ी है, पर अभी ये काफ़ी गाढ़ी है ये देखिए। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा, साथ में ऐड करेंगे करीब 1 कप पानी, और मिला लेते हैं। अब इस जगह आप जहाँ मैंने पानी ऐड किया, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली कोफ्तों पर डालकर सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं। की किनारियाँ भी हम ये रिलीज़ कर लेते हैं अच्छे से, और यहाँ पर जो खड़े मसाले बचे हुए थे मैं ऐड कर रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं जो हमने निकाले थे। तो ये खुशबू और हो जाएगी, और इन्हें हम निकाल भी सकते हैं। ढक्कन रख देते हैं वापस 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। ठीक है, हटा लेते हैं ढक्कन, थोड़ा सा हम ग्रेवी को एक बार चला लेते हैं। ये देखिए इतनी ग्रेवी है कि करीब इसके अंदर, जो मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनाई है, तो इसके अंदर कम से कम आप ये देख लीजिए 10 जने आराम से खा लेंगे। अगर एक एक कोफ्ता और बाकी करी दी जाएगी तो भी अच्छे से। अब यहाँ पर क्या करें आप, यहाँ पर 2 स्टेप है। जो मलाई कोफ्ता होता है जो हमने फ्राई किया है, एक्चुअली वो बहुत सॉफ्ट होता है, ऊपर से एक हल्की सी परत होती है क्रिस्पी सी, और हल्का सा टच होते ही वो फूट जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग इस ये ग्रेवी को हल्का सा ठंडा करके फिर कोफ्तों पर डालते हैं। लेकिन आपको मैं एक टिप और बता देता हूँ, मैं वही करने वाला हूँ। आप इसे बंद कर दें गैस को, गैस बंद करने के बाद हल्का सा बिल्कुल मामूली सा इसको रूम टेम्परेचर पे बिना ढक्कन लगाए ठंडा कर लें, और उसके बाद इसमें कोफ्ते डाल दें। लेकिन मैं जो स्टेप है वो वही फॉलो करने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे करते हैं हम गैस को बंद, ये स्टैंडर्ड, हल्का सा इसे चलाते हैं इस तरीके से, ये देखिए ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा इस जगह आपको। और ये इधर हमने कोफ्ते जमा लिए हैं देखिए सर्विंग प्लेट में, और उठाया यहाँ पर चमचा,
और ये चमचा इस पे इस तरीके से डाल देने हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, तो फ्रेंड्स दोस्तों ये हमारी मलाई कोफ्ता रेस्टोरेंट स्टाइल। आप जब इसे खाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाई है या रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो फ्रेंड्स दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। और आज इसको हम खाने वाले हैं गेहूं के आटे से बनी हुई तंदूरी रोटी, और रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए। दोनों रेसिपी बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ये रेसिपी रोज नहीं बनती है, काफ़ी कैलोरी वाली होती है और काफ़ी आप समझ सकते हैं इसमें तेल भी है, बटर भी है और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है उसे खाकर खत्म करते हैं।